फिर भी उन्होंने जाके नहीं संभाला, एक बार चेकअप तो कर लिया मान लो, फिर उन्होंने कहा कि ये लास्ट केस था, मैंने बोला हाँ जी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी का, उन्होंने फिर भी जाके यूं नहीं बोला कि जाके अपना पेशेंट संभाल लो आप, क्या पता उस टाइम पे संभाल, उसके 15-20 मिनट बाद में ये काम हुआ है, इसलिए कोई भी नहीं आया। किस तरह का मामला दसा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर धरना लगे जी? भाई साढ़े को इन्होंने पहुंच की है, हकीकत खान है बावड़े का, कोई पजाइयां भर का काम करता है, गरीब बंदा जमा ही 10 साल का छोटा जहा बच्चा है, उन्हें इलाज चल रहा है इतने हस्पताल के, और लत तो ऑपरेट करवाया दस रहे हैं, और लत तो ऑपरेट करने बाद जो कहना है भी डॉक्टर साहब ने आके संभालिया नहीं मरीज साढ़ा, तो मरीज की डैथ हो गई, वो खिलाफ फिर कहते भी डॉक्टर साहब की लापरवाही है जी सू सामने आई है, वो करके कहते असं इतने रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो डॉक्टर का जो लापरवाही वरती है यदा जो लसेंस है वो रद्द किया जाए। हॉस्पिटल है जी? ये वी केयर हॉस्पिटल है सैतसन रोड से, डॉक्टर वरिंदर चौधरी ये संचालक ने। वालों की प्रयास किए जाएंगे जी? साढ़े वालों प्रयास ही असं एस एच ओ साहब सूचित करता, अजे तक पुलिस आई नहीं मौके पर, जो देखते हो कि कानूनी कार्रवाई करते, जे कानूनी कार्रवाई उन्होंने ना की फिर परिवार का जोड़ा है फैसला पुल के उत्ते रख के लाश से वह प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक। मेरे पति थे हकीकत खान, उनका प्लेट वाला ऑपरेशन करवाया था, पैर में से रोड निकाली गई थी, फिर उसके बाद में 7:15 उनको ऊटी के अंदर लेके जाया गया, फिर 8 उसको वापस निकाला। डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी ने सिर्फ मुझे ही बताया था भाई जो कुछ भी करना था, उसके बाद में उनको कमरे में शिफ्ट करा गया, उसके बाद में वो 8 के उसके बाद में 4:30 तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ कंप्यूटर वगैरह ही आए थे, उससे पहले वो 10 से 10:30 करीब 12 करीब हम बोलते रहे उनको, वो इंजेक्शन वगैरह दे जाते, उनसे उनका पेन नहीं रुका, 4:30 करीब आके कंप्यूटर के इंजेक्शन लगा के गया, उसके बाद में उनके ना हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी, वो बोल नहीं पा रहे थे, उससे पहले वो बोल पा रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की मिसिज गेट के पास से बाहर से ही उनको पूछती रही, हेलो क्या हो रहा है आपको, क्या हो रहा है, बस उनको नज़दीक आके उन्होंने चेक भी नहीं किया, ना डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को उन्होंने जाके बताया कि आपका पेशेंट गंभीर हालत में है, आप जाके संभाल लीजिए। जब वो ठंडे पड़ गए, जब उनकी डेथ होगी, उसके बाद में वो 5:30-5:30 करीब आए, तब उन्होंने जाके देखा, तो वो कहते कि ये तो खत्म हो। अब कार्रवाई क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के खिलाफ, हमें पता चाहिए, लाइसेंस रद्द करवाना। हाँ जी, पिछले 2-3 महीने तो दस दिन परिवार की असं इलाज करवा रहे थे इतने डॉक्टर वरिंदर चौधरी को, वरिंदर चौधरी के रह अनुसार ही उन्होंने कहा जी तेरी इन्फेक्शन होगी लत के, इन्फेक्शन की दवाई दवी वगैरह कहते दी है, 2-3 महीने चली है ठीक होगी इन्फेक्शन, उस तो बाद उन्होंने कहा हम ऑपरेट करा लिए, तो डॉक्टर वरिंदर चौधरी ने कह दिया कि तुम हम ऑपरेशन करवा सकते हो, तो कराने उपरंत रात कोई 8:30 9 ऑपरेशन करके बाहर आया पेशेंट, माइनर ऑपरेशन से कोई ज़्यादा व्डा नहीं, एक राड़ ही कढ़नी सी बिचों वो कढ़ दी गई है, उस तो बाद पेशेंट 10:30 तो ठीक रहा, उस तो बाद पेन की प्रॉब्लम हो गई, पेन की प्रॉब्लम हुई तो जो इन्होंने कहा डॉक्टर ऑपरेशन करके घर चले गए सी आपके, जो नर्सिंग असिस्टेंट से उन्होंने अटेंड किया, और अटेंड करने तो बाद कोई डिकलोफेन का कोई इंजेक्शन वगैरह दे के चले गए, तो पेशेंट आराम कर लग गया, सवेरे 4 पेशेंट को ज़्यादा पेन हो गई, तो जो बुलाया गया तो उन्होंने कहा इन्होंने समझ नहीं लगी दस असटेंट पेन हो कितने रहा, हस्पिटल से पेन उन्होंने ना पता होने करके, और डॉक्टर भी कहते बाहर खड़ी गई है, पर उन्होंने अगे जाके विस्तार भी करने की कोशिश की, दस असटेंट उठता जो बंदा डेड हो गया
बिल्कुल ठंडा पै गया उस तो बाद सीपीआर देने की कोशिश की। केयर का तो ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। पेशेंट कल शाम को ऑपरेट हुआ है, ये पेशेंट मेरे पास 4 महीने से आ रहा है। ये पेशेंट को 4 महीने से इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके पास कहता मेरा रजाइयों का सीजन चल रहा है, मैं पैसे इकट्ठे कर लूँ फिर आपसे ऑपरेट कराऊंगा। ठीक है जी, कल आया है, आने के बाद इसको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, एच बी कम था, उसके बाद हमने इसको ऑपरेट किया, ऑपरेट अच्छे से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसको। ठीक है जी, इसको 5:30 बजे कह रहा था मेरे कमर में पेन हो रहा है जहाँ पे मेरे इंजेक्शन वो लगा था एनेस्थीसिया इंजेक्शन, तो उसके बाद इसको पेन किलर लगाया गया, उसके बाद भी 9:06:19 पे इसका बीपी पल्स सब कुछ लिया गया, सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये कह रहे हैं जी अपने सुबह जब कंप्यूटर को बोला गया लेकिन उनको फिर भी उनके कोई डॉक्टर साहब, एक मिनट, इसका प्रूफ है, मेरी वाइफ वहीं खड़ी थी, शी इज अ डॉक्टर, 4-3 पेशेंट इमरजेंसी जाई, रात को एडमिट भी किया जी। मैम लगातार 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक यहीं पे थे। आरोप तो जैसा वो लगा रहे हैं ना, मैं जो आप लगाएंगे जी, नहीं मैम अपनी तो सफाई की बात करूंगा जी जी, मैं अपने भी वो कह रहे हैं कि रात बजे रात को ऑपरेट के बाद सुबह 5:30 बजे तक डॉक्टर साहब ने चेकअप नहीं किया हमने कंप्यूटर को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट जब 12 आया रात को 9 बजे भी राउंड हुए, मैं उनसे मिलके गया हूँ और उनको बोला है कि पानी वानी कब देना है, उन्होंने पानी भी पिलाया है। एनपीओ जब टूट जाता है बंदा ओरली खाने लग जाता है, उसके बाद सिर्फ पेन के लिए इंजेक्शन मांगा, पेन के लिए लगाया गया, उसके बाद 6:19 पे सब कुछ ठीक था, बीपी पल्स वगैरह सब नॉर्मल आया है, उसके बाद चेक करते रहे, विद इन 2 मिनट्स पेशेंट अब ऑल दिस सडन कोलैप्स किया है। क्या कारण क्या है उसका? कारण तो मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है, उसके बाद हमने 2 मिनट के अंदर इमरजेंसी लिया है। क्या सारे अलाइड है, जब भी जरूरत पड़ती बुलाते हैं हम डॉक्टर युधिष्ठ को बुलाते हैं, डॉक्टर शेट्टी को बुलाते हैं। तो शरेआम ये बात कह रही है मरने वाले की बीवी है, फिर रात को 9 बजे हम लोग डिमांड करने लगे और सुबह 5 बजे तक, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सुबह। अब उनकी अब उनकी स्टेटमेंट चेंज हो रही है सुबह 6:30 बजे के बाद, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। स्टेटमेंट तो डॉक्टर साहब उनका बंदा मरा देंगे ना, तो मैं भी तो अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर उनकी आप पूरी फिर मांगते हो तो मेरी भी तो सुनो, उनकी बात सुनिए आपकी भी सुनो। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन बोलती है सब कुछ बोलता है, वो आपको दिखा के दिखा देता हूँ। जब से जब बुलाया उसका 1.5 घंटे तक मैं इनके पास ही था, कहीं नहीं ला मैं और मैडम दोनों। कोई ऐसा वीडियो फुटेज दे सकते हैं मैं इनके पास ही था? क्या आप कैमरा चेक कर लेंगे इसमें? आ जाओ कैमरा, कैमरा इमरजेंसी का चेक कर लेते, इसको चेक करवाइए। हां करवा लेते हैं। कोई सी की भाई जी, न्यूज़ रिपोर्ट से देने होने की गल हुई सी, बताओ वो सारी भाई। तुम अपना ना 8 बजे ऑफिस से चले जाओ, कोई सुनवाई को नहीं, अगर पैसे बाहर आ जाने की इनकी चलन में बोल देंगे। आपके साथ अभी क्या? नहीं अब क्या किया मैडम ने? नहीं मैडम ने अब क्या किया आपके साथ? हाँ जी, हमें तो इंसाफ चाहिए। गलती नहीं, गलती नहीं, ठीक है।